ए स्किन प्रॉपर जिसमें एपिडर्मिस और डार्मिस पाया जाएगा इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन रख जारी रखेंगे और बी क्या होगा डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन स्किन तो इंटीगुमेंटरी सिस्टम है सो दीज आर द इंटीगुमेंटरी डेरिवेटिव्स हम अभी हम लोग ह्यूमन स्किन के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन में डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन में क्या क्या पाया जाएगा हेयर्स नेल्स मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड एंड शिबेसियस ग्लैंड लेकिन अगर दूसरे मैमल्स में हम लोग देखेंगे तो वहां पे हॉर्न्स या हुब्स जो पाया जाएगा वो भी डेरिवेटिव ऑफ द स्किन है ठीक है लेकिन वो मैमल वो ह्यूमन में नहीं पाया जाता है हॉर्न्स या हुब्स इसलिए अभी हम लोग हॉर्न या हुफ के बारे में बात नहीं करेंगे ठीक है तो अभी हम लोग डिटेल में स्किन प्रॉपर देख लेते हैं स्किन प्रॉपर को हम लोग दो लेयर में डिवाइड कर सकते हैं एपिडर्मिस एंड डार्मिस फिगर में देख लो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज कॉम्पेरेटिवली थिनर देन द इनर लेयर और डार्मिस डार्मिस इनर लेयर है जो कॉम्पेरेटिवली थिकर ठीक है एपिडर्मिस को हम लोग तीन सब लेयर में डिवाइड कर सकते हैं एपिडार्मिस का आउटर मोस्ट लेयर 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 है corneum, है स्ट्रेटम एंड इनर मोस्ट लेयर है स्ट्रेटम नीजी या जर्मिनेटिव लेयर आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है स्ट्रेटम कॉर्नियम उससे पहले बोल दूं कि जो एपिडर्मिस लेयर है ये बेसिकली बनता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से तो एपिथेलियल टिश्यू है ये बेसिकली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनता है मतलब सेल्स के ऊपर सेल्स पाइल्ड अप होके लेयर के ऊपर लेयर जमते जमते ये लेयर या एपिडर्मिस बनता है अब एपिडर्मिस का आउटर मोस्ट लेयर जो दिखता है यहाँ पे वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम और ये जो एपिडर्मिस है वो तो मैंने कहा थिनर कॉम्पेटिव कम्पे कॉम्पेयर टू डर्मिस लेकिन बॉडी के किसी किसी हिस्सों में ये एपिडर्मिस थोड़ा थिक और टफ हो सकता है जैसे हाथ के नीचे यानी पार्म में पैर के नीचे यानी सोल्स में और मोस् मोस्टली इन द हिल रीजियन है ना हिल रीजियन का जो एपिडर्मिस है वो काफ़ी मोटा या थिक होता है अभी आउटर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम बना है वो बेसिकली बनता है फ्लैट डेड सेल से ठीक है थीके? यहाँ पे कोई लिविंग सेल नहीं है ये है फ्लैट डेड सेल वो भी बहुत सारा लेयर जम के ये बनता है सभी डेड सेल से और ये सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या है वो है एक फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसका नाम है केराटीन तो ये प्रोटीन का नाम याद रखना केराटीन प्रोटीन ठीक है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है स्किन का जो एपिडर्मिस उसका जो आउटर मोस्ट लेयर यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम में केराटिन प्रोटीन एक हार्ड प्रोटीन है तो कैराटीन प्रोटीन रहने की वजह से ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये मेनली तीन तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है नंबर वन ये मेकेनिकल शॉक से या मेकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है टफ लेयर है फिर नंबर टू ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया इसको भेद के बॉडी के अंदर नहीं आ पाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है और नंबर थ्री ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है जो इवापोरेशन से जो बॉडी वाटर लॉस होता वो ये इम्पर्मिएबल लेयर रहने से स्ट्रेटम कॉर्नियम रहने से बॉडी का वाटर जो इवापोरेशन प्रोसेस से जो बाहर जाता उसको भी प्रिवेंट करता है ठीक है तो प्रोटेक्शन में स्ट्रेटम कॉर्नियम हेल्प करता है स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे देखो जो थीन लेयर है ये टू टू थ्री लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स रहता है ये ग्रैन्युलर लेयर है और उसके नीचे जो थेस्ट पार्ट मतलब इन तीनों में से जो सबसे थिक पार्ट है जो काफी सारे लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स से बना है उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेटाम मेलपीजी और जार्मिनेटिव लेयर देखो यहां पे मैंने लिख दिया है जार्मिनेटिव लेयर ऐसा क्यों क्योंकि स्ट्रेटाम मेलपीजी का जो सेल्स से, है ये सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है ये हमेशा इसका डिवीजन चलता रहता है इसलिए यही से सेल्स ऊपर की तरफ जाता रहता है जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है ये बेसिकली बनता है स्ट्रेटम मेलपीजी के सेल्स से ही जब ये सेल्स का डेथ हो जाता है ये ऊपर की तरफ निकलने लगता है और यही जाके अल्टीमेटली स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर प्रोड्यूस करता है सो स्ट्रेटम कॉर्नियम से भी सेल का शेड शेडिंग ऑफ सेल्स होता है ना स्किन का लेयर बाहर से उठता रहता है ना मोस्टली विंटर के टाइम में तो वो जो शेडिंग ऑफ स्किन होता है वो मोस्टली होता है मतलब तो वो मेनली होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम से तो जो पुराना सेल निकल गया तो नया सेल क्या होता है नीचे के लेयर से ऊपर की तरफ वो चढ़ता रहता है इस इसी तरीके से एपिडार्मिस काम करता है एपिडार्मिस में कोई ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा क्योंकि मैंने कहा कि एपिडर्मिस जो है वो है एपिथेलियल टिश्यू तो एपिथेलियल टिश्यू में तो ब्लड वेसल होता नहीं है और स्ट्रेटम एलपी या जार्मिनेटिव लेयर का जो ये सेल्स है ये सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है मेलानिन पिगमेंट और यही मेलानिन पिगमेंट हम लोग का बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है उसके लिए मेन रीज़न है जो अफ्रीकन निगरोज होता है जो ब्लैक हम लोग कहते हैं उसका स्किन का जो जो मेल मेलपी जी का जो सेल्स है स्ट्रेटर मेलपीजी का उस सेल्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन पिगमेंट पाया जाएगा लेकिन जो यूरोपियन है जिसको हम लोग वाइट कहते वाइट कहते हैं उनके स्किन में इसका मेलानिन का जो मात्रा है वो बहुत ही कम होता है और इंडियंस में यानी हम लोग में इसका मात्रा मीडियम रहता है इसलिए हम लोग विटिश कहते हैं ना तो वाइटिश होगा यूरोपियन हम लोग का कलर है विटिश और निग्रोस का ब्लैक कहते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्शन का डिफरेंस होता है वो किसके ऊपर निर्भर करके होता है वो होता है अमाउंट ऑफ मिलानिन अब दो डिजीज़ का नाम याद रखना एक का नाम है ल्यूकोडारमा ल्यूकोडारमा और एक का नाम है एल्बिनिज्म ठीक है लियूकोडार्मा में क्या होता है लियूकोडार्मा ये फिगर देख लो ये हाथ का फिगर यहां पे देख लो लियोडार्मा में क्या होता है बॉडी में लार्ज या स्मॉल पैचेस में ये जो मेलानिन पिगमेंट वो मेलानिन पिगमेंट नष्ट हो जाता है इसलिए वो पोर्शन व्हाइट व्हाइट देखने को लगता है तो इस कंडीशन का हम लोग कहेंगे लियूकोडार्मा या विटिलिगो ठीक है इसका रीजन क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि क्यों ये होता है और दूसरा है एल्बिनिज्म ये एक जेनेटिक डिजीज है इसका फिगर देख लो इसका फोटो देख लो किल कोई अगर एल्बिनिज्म डिजीज से अगर आक्रांत है तो उसका वो देखने में कैसा होगा ये पूरा वाइट हो जाएगा क्योंकि इसके स्किन में भी मतलब पूरा लॉस ऑफ पिगमेंट मिलानिन पिगमेंट बॉडी में थोड़ा भी नहीं रहेगा पूरा कंप्लीट एबसेंट होगा मिलानिन पिगमेंट इसलिए इसका स्किन फिर हम लोग अगर आईलैश देखेंगे ठीक है या फिर आयरिश देखेंगे या फिर आईब्रो देखेंगे कहीं पर या हेयर्स कहीं पर भी ये मिलानिन पिगमेंट नहीं रहेगा तो ये कंडीशन होगा एल्बिनिज्म ये जेनेटिक डिजीज है ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है ठीक है रिसेसिव डिजीज अगर कोई एल्बिनो मेल और एल्बिनो फीमेल में अगर शादी होगा दोनों अगर एफेक्टेड है और उनके जितने भी बच्चे होंगे सभी एल्बिनिज्म से अफेक्टेड होगा ठीक है तो ये रहा एपिडार्मिस अभी आते हैं डार्मिस में तो डार्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर विच इज थिकर देन द डार्मिस इट इज बेसिकली अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग इलास्टिक फाइबर्स देखेंगे और डर्मिस में हम लोग बहुत सारा चीज देखेंगे जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट नहीं है जैसे हम लोग ब्लड वेसल्स देखेंगे देखो वेन आर्टरी ब्लड वेसल्स फिर कैपिलरीज देखेंगे ठीक है फिर नारवेंडिंग्स देखेंगे फिर सेंस ऑर्गैन देखेंगे सेंसरी कॉर्पसल जैसा सेंस ऑर्गैन देखेंगे सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा हेयर फॉलिकल प्रेजेंट रहेगा ठीक है तो बहुत सारा चीज डार्मिस में हम लोग देखेंगे अब डार्मिस

ब्लड कैपिलरीज इन पैपुलर रीजियन में पाया जाएगा या फिर नर्व एंडिंग्स या सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी ये सब रिजियन में पाया जाएगा अब नर्व एंडिंग्स या सेंसरी स्ट्रक्चर्स या सेंस ऑर्गन्स रहने से ये जो स्किन है वो एक रिसेप्टर की तरह काम करता है है ना टच रिसेप्टर टच पेन प्रेशर हॉट कोल्ड ये सब रिसीव करने में ये काफ़ी माहिर है और स्पेशली हम लोग का जो फिंगर टिप्स है यहाँ पे टच सेंसेशन बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्पेसिफिकली ये हम लोग मतलब रिसीव कर सकते हैं इसलिए जो ब्लाइंड पीपल होता है वो जो ब्रेल कैरेक्टर्स रीड करता है ना मतलब दिखता तो नहीं है उन लोग को तो फिंगर से लोग टच करके फील करके उसको वो पढ़ लेते हैं कि वो ब्रेल में क्या लिखा है तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि स्किन में हम लोग का नार बेंडिंग या सेंसरी स्ट्रक्चर्स रहता है ठीक है और डार्मिस के नीचे डार्मिस के नीचे यहाँ पे पे तो मैं कुछ कुछ यहाँ पे दिया है, फैट सेल्स लेकिन के नीचे बहुत सारा फैट सेल्स रहता है जो सिर्फ फैट को स्टोर ही नहीं करता है मतलब एक्सेस फूड को स्टोर ही नहीं करता है उसके साथ वो हीट इंसुलेटिंग में भी हेल्प करता है और शॉक एब्जॉर्बिंग में भी शॉक एब्जॉर्बर के रूप में भी काम करता है ठीक है तो ये रहा स्किन प्रॉपर का स्ट्रक्चर अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का अगला पार्ट लेके आता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू